फोरम फाइव एक्सेसरी एक्सेसरीज फाइव कलर कॉस्ट कलर ठीक है जी। पांच तरह की प्रोडक्ट्स हैं। हम प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों बात करते हैं? व्हाट्स सो स्पेशल इन आवर प्रोडक्ट्स? हमारी प्रोडक्ट में क्या स्पेशल? हमारा सारा डिपेंड है कैटलॉग के ऊपर है। कैटलॉग सारा हमारे जो है डिपेंड बिजनेस जो है कैटलॉग से है स्टार्ट। सबसे पहले हम अनफीचर्ड प्रोडक्ट का क्या करें? वो तो कैटलॉग में नहीं है, वो भी बिकती है। फिर क्या करें? नहीं 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 अनफीचर पुरानी कैटलॉग वो एसेसरीज 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 का भी कोई मसला नहीं। हम लोग क्यों अपनी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं? क्योंकि हम लोग नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनते हैं। साइंस की रिसर्च होती है और ट्रेंड्स के साथ आप तक लेके आता है। मैं अगर बात करूँ नेचर की तो हमारे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी नेचर के करीब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे आप हर्बल की बात करिए तो सिर्फ हर्बल नहीं है या सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है। हमारी प्रोडक्ट किसी ना किसी तरह से किसी नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाते हैं और हम लोग इस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं कि आज तक अगर मैं आपको इसके एग्जांपल ऐसे दूं, हम उस कंपनी से पेपर उस वक्त तक नहीं परचेज करते जब तक वो उतनी क्वांटिटी के दरख्त नहीं लगा देता। सो वी आर सो मच यू नो वी आर हैविंग सो मच वैल्यू ऑफ नेचर। हम नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड है, इसलिए बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं हम साइंस की। हमारे दो फैसिलिटीज हैं जहाँ पे हमारी अपनी प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक हमारी रिसर्च आरएनडी फैसिलिटी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दूसरी हमारी स्किन केयर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 150 से ज्यादा साइंटिस्ट हर रोज कोई ना कोई तजर्बा कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा है। और एक प्रोडक्ट जो आप तक पहुँचती है मिनिमम 5 ईयर्स का टाइम लेती है। आपके पास नोवेज अभी आया है इकोलॉजन, उस पर कितने अर्से की रिसर्च हुई है? नोवेज इकोलॉजन तो कल हो गया 4 ईयर्स नो यस 10 साल की उस पर हमने रिसर्च किया और उसके बाद आप तक पहुंची। इसी तरह से हम रिसर्च करने में इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि हम रोज कोई ना कोई चीज डेवलप कर रहे होते हैं। सो हम साइंस की साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। फिर दूसरा ट्रेंड्स, हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं वो ग्लोबल जो आप कह सकते हैं कि ट्रेंड सेटर्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो हेयर एक्सपर्ट है, चाहे वो स्किन केयर एक्सपर्ट है, चाहे वो फैशन एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ एसोसिएट है। हमारी जितनी भी एक्सेसरीज बनती हैं वो सारी स्वीडन की जो टॉप मॉडल है वो हमारी कंसल्टेंट है, मतलब हमारी एक्सपर्ट आप कह लें कि टीम का हिस्सा है जो हमें सपोर्ट करती है कि कौन सी प्रोडक्ट बनानी चाहिए और कौन सी नहीं बनानी चाहिए एसेसरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी हमारी स्लीक हेयर एक्स की जो स्लीक एंड स्टाइल जो रेंज आई है वो भी हमारे ग्लोबल हेयर एक्सपर्ट के मशवरे से आई। सो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो ट्रेंड को देखते हुए बनाते हैं क्योंकि एक्सपर्ट हमारे साथ है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी हमारी प्रोडक्ट में, दैट इज नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, साइंस और ट्रेंड्स एंड ट्रेंड्स। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने दी है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, हर इंसान की, मतलब मैं अगर फैमिली की बात करूँ जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, हर किसी के इस्तेमाल की चीजें। ऐसा नहीं है शैम्पू हर घर में इस्तेमाल। आज वैसे कौन कौन सर्द हो गया है? So, जरूरी नहीं है कि सिर्फ खवातीन ही सर्द होती हूँ। और आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, ये एक रिसर्च हुई है पाकिस्तान में, रंग गोरा करने वाली क्रीमें खवातीन की नस्बत मर्द ज्यादा लगाती है और खवातीन वाली लगाती है, कैसी बात। सो इतनी बड़ी मार्केट है आपके पास कि आप उसको भी कैटर कर सकते हैं और इसीलिए हम पूरी फैमिली के लिए चीजें बनाते हैं। अच्छा जी, स्किन केयर, स्किन केयर क्यों जरूरी है? व्हाई वी नीड स्किन केयर? सर अच्छा दिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। लार्जेस्ट ऑर्गन तो हमें इसकी हिफाजत करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रेजेंटेबल दिखने के लिए वही अच्छा दिखना और समहाउ द अदर, बिल्कुल ऐसे ही। हम लोग अगर स्किन केयर की बात करते हैं तो आपकी स्किन केयर के ऊपर कितने परसेंट
आउटर फैक्टर्स मैं अगर एनवायरनमेंट की बात करूं कितने परसेंट इम्पैक्ट डालता है? 80 टू 90 परसेंट। और कोई एनी वन साइंस? और कोई 15%? इट्स 80%। सो आपके पास ज्यादा मौका होता है कि आप आउटर इम्पैक्ट से अपनी स्किन को बचा सकते हैं। हम कहते हैं जी मैं बूढ़ा हो गया या मैं बूढ़ी होगी, अब मैं कुछ नहीं हो सकता, चुड़ियों को कुछ नहीं हो सकता, फल खाओ वॉक करो जरूरी है। लेकिन आप 80% का जो चंक है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए। सो हम लोग ऑरिफ्लेम की स्किन केयर की बात करते हैं। ऑरिफ्लेम की स्किन केयर क्यों? लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो पहली दफा आपके साथ मिल रहा है उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे? अम्मी को दिखा के नेचुरली इनके लिए रीजन बस डेफिनेटली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा बातें मैं उनको बोलूंगी कि मैं खुद यूज कर रही हूँ, मेरे फेस पे जब रिजल्ट देखेंगे तो सामने वाला खुद ब खुद बोलेगा कि हाँ ठीक है चलें मान लिया। एक चीज आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है? तो सबसे बड़ी इनकी डायमंड की, मेरी मदर यूज कर रही है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। अब मैं हूँ 25 ईयर्स का, यहाँ की मुझे डायमंड की सर्विस की जरूरत है, सो हाउ डू यू कन्विंस दैट? और आपके पास सबसे बड़ा चंक भी वही है, आपकी सबसे बड़ी मार्केट वो है जिसको आप पिच कर सकती हैं अपनी स्किन पे, क्योंकि आपकी जो स्किन पे या आपकी मैं बात करूँ फेस पे जो झुर्रियां या जो एजिंग फैक्टर्स हैं वो डिस्प्ले होना शुरू होते हैं वो दैट इज 25 to onwards, 22 onwards टू बी ऑनेस्ट। तो आपके पास वो बहुत बड़ा चंक है जिसको आप कवर कर सकती हैं, तो आप कैसे उसको कैसे कन्विंस करेंगे? डायमंड सेलर दिखा के वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। What will you? So, उसके benefits बताऊंगी, convince तो इतना करते ना, benefits बताते हैं, फिर उसका result दिखाते हैं, किसी जिन्होंने use benefit तो गुटके की भी बहुत है। तो उनकी benefits तो नहीं है। ये आप क्या कहना खाने वालों से पूछे? आप